AI, इमोशनल इंटेलिजेंस, और इसका तरीका क्या बताएंगे, वही कैसे सिखा सकते हैं AI। तो AI सिखाने के जो तरीके हैं वो तरीके, जैसे एक तरीका होता है कि जब बहुत तेज गुस्सा आए तो गुस्से और उसकी अभिव्यक्ति में गैप ले आना चाहिए। सबसे देसी तरीका है जब आप किसी भावना के शिकार हो रहे हो, बस कुछ कहने या करने से रुक जाइए कि एक घंटे बात करेंगे। एक तरीका मैंने हाल ही में देखा अपने घर के आसपास एक व्यक्ति में इसी का, उसको बड़ा अच्छा सूत्र है उसके पास गुस्से पर ही, उसे बहुत गुस्सा आता है, किसी मनोवैज्ञानिक ने सिखा दिया उसको, वो उसका इस्तेमाल अच्छा करता है। जैसे ही गुस्सा आता है, डॉक्टर ने बताया कुछ नहीं करना है, 100 तक गिनना है, फिर जो मन में कर देना। सो सिंपल, तेज गुस्सा आया, 1 2 3 4, अब जब तक 100 गिनता है गुस्सा खत्म हो जाता है। कितना सिंपल है। तो इतना ही सिखा दिया डॉक्टर ने कि जब भी गुस्सा आए 100 तक गिनने के बाद करना जो भी करना हो, पर वो खुद ही समझ रहा है कि 100 तक गिनने की नौबत आती है, उसके पहले मामला दफा हो जाता है। तो ऐसे कुछ तरीके, गैप हो गया, दूसरा ऑटो सजेस्टिव मोड है, लाफ्टर है, मुन्ना भाई MBBS उसका एग्जाम्पल है, ऐसे कुछ तरीके बता दीजिए, हो जाएगा। और एक और तरीका होता है गुस्से के मामले में, जब आपको लगे कि गुस्से से दिमाग की नसें फटने वाली हैं और आपके हाथों कुछ खून वून हो जाएगा आज, तो सबसे आसान, हालांकि गुस्से में आसान लगता नहीं है लेकिन है आसान, उस सिचुएशन से बाहर निकल जाइए। अगर लग रहा है कि मैं यहाँ रहा और ये भी रहा तो एक का खेत हो जाना तय है, या जमींदोज हो जाना तय है एक का। जमींदोज समझते हैं, मतलब जमीन में गाड़ लेना। तो यदि किसी एक का जमींदोज या खेत हो जाना तय हो तो चुपचाप वहां से चले जाइए। एक है सांकेतिक अभिव्यक्ति करना। कुछ लोग क्या करते हैं, 2-2.5 साल के बच्चों से कार्यक्रम शुरू हो जाता है, 2 से 2.5 साल के बच्चों का सबसे सामान्य व्यवहार है, गुस्सा बहुत तेज आता है, पर वो होते हैं चिंटू पिंटू, अगर गुस्सा कर दे अपने बाप पे कि पापा, एक झापड़ पड़ेगा उड़ता हो जाएगा, उसके बाद फिर उसको पता है गुस्सा करने का फायदा तो है नहीं, सिर्फ मैं ही पीटूंगा, नेट लॉस मेरा ही होने वाला है। तो बच्चे को ये पता है कि मेरी इमोशनल ताकत ज़्यादा है, यानी मैं इतना प्यारा हूँ, मैं इतना क्यूट सा हूँ, छोटा सा हूँ, कि मैं उसका मिसयूज़ कर सकता हूँ, अगर मैं गुस्सा करूँगा तो पिट जाऊँगा, उसका फ़ायदा नहीं है। तो बच्चे क्या करने लगते हैं, जो बाद में बड़े होकर भी लोग करते रहते कई बार, जैसे किसी बच्चे कुछ नाराजगी गुस्सा आ गया, वो क्या करेगा, वहाँ से दूर भागेगा, दीवार में या नीचे लेट के माथा ऐसे मारेगा 8-10 बार। कभी देखा आप लोगों ने ऐसा किया भी होगा? आप में से कितने लोगों को याद है कि आपने ऐसा किया हुआ है? जिनको याद भी है, हाँ, बस बाकियों को याद नहीं है। दो ही तरह के लोग हैं, जिनको याद है और जिनको याद नहीं है। ऐसा आप में से एक भी नहीं होगा मेरे ख्याल से जिसने ऐसा, मतलब ऐसी कोई हरकत ना की हो। और जो ज्यादा स्मार्ट होते हैं जमीन पर लेट के पूरा ऐसे कट कट मारते हैं कस कस के। अच्छा अच्छा मारते ऐसे कि लगे नहीं, ध्यान से, उनको अच्छे से पता है कि मारते हुए दिखना है, मारना नहीं है। और अगर वो मार रहा हो बच्चा, आपको उसको ठीक कर रहा है, उसको देखिए मत बस, वो वहां जाके मार रहा है, आप इधर देखते रहिए, आपस में बात करते लगे, तो वो 2 बार मारेगा, फिर देखेगा उधर देख। और जैसे ही उसको पता लगा नहीं देख रहे, चुपचाप उठ के झाड़ फोड़ के आ जाएगा, धूल झाड़ के अपने आप आके हेलो कर देगा। उसके बाद उसको पता है कि भाव नहीं है इस चीज़ का, सारा खेल तो भाव का, और किस चीज़ का खेल है। कुछ लोग बड़े होने के बाद भी इस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाते, जो बार बार क्या बोलते हैं, खुदकुशी कर लूँगी, सुसाइड कर लूँगा, ब्लेड मेरे पास है, काट दूँगी। तो तरीका इनको मैनेज करने का भी वही है जो बच्चों का है, भाव नहीं देना है। कोई ऐसे करे, उधर देखो, काटो भाई काटो, किसने नहीं काटा आज तक, उसके बाद वो दिखा के ही काटेगा, और इतना ही काटेगा कि बच सके, क्योंकि ज्यादा कट गया तो फायदा उसको हो गया, क्यों काटेगा। तो सुसाइड की धमकी देने वाले 1000 में 999 झूठी धमकी देते हैं, एक आध सच्चा व्यक्ति होता है, और उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। क्या कर सकते हैं, ऐसा कभी हो जाए जीवन में हादसा कि आपको कोई पसंद करने वाला व्यक्ति, जिद्दी किस्म का व्यक्ति सुसाइड कर ले, तो उसमें ज्यादा सोचना नहीं है, एक ही बात सोचनी है, सांसें कितनी है पहले से फिक्स है, इसमें कोई क्या कर सकता है, ईश्वर ने तय करके भेजा है।
लेकिन उसके दबाव में अपनी सांसें कम मत करवा लेना, पता लगा सांस चलेगी सांस आ गई बिना रात के, और वो झंझट ही झंझट चली।